लाला आपके मन में कोई ऐसा एक बॉलर है वर्ल्ड का जिसके सामने आप जब आते हो आपको लगता है यार ये टफ बॉलर है इसके? मोहम्मद आमिर है पाकिस्तान के जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट। इतिहास गवाह है कि इंडिया और पाकिस्तान जब भी सुर्खियों में आते हैं तो कोई ना कोई राइवलरी क्रिएट होती है, पर असलियत ये है कि दोनों मुल्कों के बीच में बे इंतहा मोहब्बत है। ही हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, आई एम निधि शर्मा फ्रॉम इंडिया। और आज ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जितने भी फ्रेंडशिप वाले मोमेंट्स हैं उस पर मैं रिएक्शन करने के लिए आई हूँ। हाँ, मशहूर हैं अपने ये देश दुश्मनी के लिए, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, पर चलो आज मशहूर करते हैं इनको दोस्ती के लिए। सिटीजन्स ऑफ दीज कंट्रीज लव ईच अदर, इट्स जस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज हु वांट टू सेपरेट अस, पर हम अलग होंगे नहीं। मेरा वीडियो आप ऐसे देखिए जैसे मैं आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, दुबई से भी हो सकते हैं, अफगानिस्तान से भी हो सकते हैं, इंडिया से भी हो सकते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। अगर आपके दिल में प्यार है एक अच्छे इंसान के लिए ना, नो मैटर वॉट वो किस देश से बिलोंग करता है, तो हमारे इस चैनल पे आपका हमेशा से इंतज़ार है। वाओ, व्हाट काइंड ऑफ अदबी गर्ल आई एम बिकमिंग स्लोली स्लोली। ऐसे पाकिस्तान के वीडियोस देख के यही होगा, अदब और तहजीब भी आएगी। आई लव दीज टू वर्ड्स यार, प्लीज़ ना मुझे ऐसे ऑफेंड मत हो जाना कि लड़की को यही दो शब्द समझ में आते हैं क्या। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द लव एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अट्रैक्टिंग मी टू रिएक्ट ऑन पाकिस्तान्स वीडियो। ऑब्वियसली यू गाइज आर लव। हम सभी ने इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के कई किस्से सुने हैं। जब भी ये दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जोश जज्बे के साथ उतरती हैं। आजकल पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक वार की तरह दिखाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान इंडिया के उन फ्रेंडली मोमेंट्स को दिखाएंगे जो आपको काफी अच्छे लगेंगे और आज से पहले किसी भी न्यूज चैनल ने उन पर बात नहीं करी। युवराज सिंह एक ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिनके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से काफी अच्छे ताल्लुक हैं। युवराज सिंह शाहिद अफरीदी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। लाला। जब PSL पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हुई तो युवराज सिंह ने शाहिद अफरीदी की टीम पिशावर जलमी के लिए एक स्पेशल मैसेज दिया और उनकी तारीफ भी की। मेरा मैसेज पिशावर की टीम के लिए, PSL में अच्छा करें, दुआ करेंगे आपके लिए। आपकी टीम में शाहिद अफरीदी है, इनकी टीम है, जिस टीम में शाहिद अफरीदी हो वो टीम अच्छा ही करेगी। क्यों यूं करके छक्का मार रहा है, कोई यूं करके छक्का मार रहा है, तो शाहिद अफरीदी की बातों पे जरा गुस्सा ना करें। ये हमने इनकी बड़ी गालियां खाई हैं जब हिंदुस्तान के लिए खेल रहे थे, तो ये ऊपर ऊपर से ही है, दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम दिल के हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इनके साथ मिलकर अच्छा करेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद आमिर ने जब 5 साल बैन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक किया तो विराट कोहली ने उन्हें अपना बैट गिफ्ट करा। ये किस्सा लोगों को इतना पसंद आया कि ये कई दिनों तक सोशल मीडिया पर वायरल रहा। और एक इंटरव्यू में जब विराट कोहली से पूछा गया कि आपको खतरनाक बॉलर कौन लगते हैं तो उन्होंने कहा मोहम्मद आमिर है। आपके मन में कोई ऐसा एक बॉलर है वर्ल्ड का जिसके सामने आप जब आते हो आपको लगता है यार ये टफ बॉलर है, इसके मतलब थोड़ा मैं नर्वस हूँ इसको खेलने के लिए, ऐसा कोई बॉलर है who makes you feel that alert? जो मैं रिसेंट टाइम्स में खेला हूँ बोलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव प्लेड। और जब मोहम्मद आमिर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके फेवरेट बैट्समैन कौन है तो उन्होंने कहा विराट कोहली है। इन दोनों की दोस्ती अंडर 19 से ही है। मेरा फेवरेट बैट्समैन है, मैं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ कि रिसेंट टाइम का आई थिंक काफ़ी टफ बैट्समैन है और उसके खिलाफ जब भी आप बॉलिंग करते तो आपको भी टफ होना पड़ता है। ये इंसिडेंट 2017 चैंपियन ट्रॉफी का है जब पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल मुकाबले में हरा दिया, तब विराट कोहली आए, पाकिस्तानियों की तारीफ भी की और उनके साथ खड़े होकर काफ़ी मजाक भी किया। शुएब अख्तर और हरभजन सिंह की दोस्ती काफी मशहूर है। ये दोनों कई सालों से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और अक्सर टीवी चैनल्स पर आकर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। बड़े अरसे के बाद सुनी हरभजन, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच। मैं एक गल और करवाऊंगा जान तो पहला, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान के हालातों के होते हैं जी, वागे दिए सरहदे हां वागे दिए सरहदे तेनू तत्ती वा न लगे हां लगन फूल गुलाब दे
इंजमामुल हक और सौरभ गंगोली की दोस्ती काफी मशहूर है। दोनों ने क्रिकेट साथ खेली, दोनों अपने टाइम के काफी अच्छे बल्लेबाज और कप्तान रह चुके हैं। इंजमामुल हक जब भी इंडिया जाते तो उनका खाना सौरभ गंगोली की तरफ से आता था। अभी सौरभ ने 2005 की बात की है कि अभी सारी सीरीज की इस तरह की बातें हो रही है। 2005 की जिस सीरीज थी ना, उससे पहले मेरा और सौरभ का एक एड बना था एलजी का, तो मैं कलकत्ता आया था वो एड करने के लिए। तो मैं जितने दिन भी वहाँ रहा था ना, तो खाना मेरा है ना, होटल में मैं ठहरा हुआ था, खाना मेरा सौरभ की तरफ से आता था। आए हाय हाय, क्योंकि जी ऐसा मेहमान नवाज है, ऐसा ज़बरदस्त इंसान है ये, क्योंकि जी अगर कोई इसके शहर में जाए तो उसकी ऐसी मेहमान नवाजी करता है। Yes, in short, massacred him. Oh! He's telling Shahid the free. Just give me some time to get ready. Don't be in such a hurry to bowl. I wasn't ready for you there. India have lost. बड़े भाई gesture बहुत अच्छा था। देखिए आप, India Pakistan साथ में आ रहे, क्या बात की यार। बिग रिस्पेक्ट फॉर शाहिद अफरीदी। That's so good. आप देखिए, स्टार्टिंग क्लिप की हुई थी लाला से ही और खत्म भी बूम बूम लाला पर ही हुई। Just loved watching this video यार, असलियत यही है, प्लीज इसे अपना लो। इंजमामुल हक जब इतने बड़े इंटरव्यू के अंदर, मजमा कहते हैं ना, इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने, हजारों लोगों के सामने बोल रहे हैं। रहता मैं होटल में था पर मेरा खाना सौरभ की तरफ से आता था। इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, हम सब भाई भाई हैं। और ये चीज पता नहीं हमें समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, हमें पता होना चाहिए ये ऑलरेडी ना। मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम हैं और कोई अंतर नहीं है मेरे उनके बीच, वो बचपन से घर आते रहे मेरे। इनफैक्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड इज सबीना, मेरी मम्मी की चहेती, हाँ आंखों का तारा उनका, मुझसे ज़्यादा उसे पसंद करती हैं। साथ खाते पीते उठते बैठते हमेशा खुश रहते हैं यार। ये जो नफरतें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रहने दो, हम तक मत आने दो यार। वी आर द सिटीजन्स ऑफ दीज कंट्रीज, वी वॉन्ट टू लव ईच अदर एंड वी विल लव ईच अदर। प्यार ना हम डिजर्व करते हैं, एक इंसानी रूप में जन्म लिया है ना, तो इंसानियत से ही जिएंगे। ये वीडियो देख करके तो दिल बाग बाग हो गया, खुशी के ठिकाने नहीं है। अभी ऐसे चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे जा रही है, ऐसे नीचे नहीं आ सकती है, और आज के दिन तो बिल्कुल भी आएगी भी नहीं। जितने भी लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ना और इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार दे दो इंडिया को। इधर इंडिया भी आपको दे ही रही है। आई एक्सपेक्ट ओनली एंड ओनली लव फ्रॉम ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स हु वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, अच्छा लगा ना देख करके, आई लव्ड इट टू। बाय बाय, टेक केयर, दिस इज किलाया रियाज उर्फ निधि शर्मा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।